वेलकम एवरीबॉडी, वेलकम टू द पार्ट 3 ऑफ अल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल। मैं इस बारी छोटे छोटे पार्ट्स बना रही हूँ, बड़े बड़े नहीं कर रही हूँ, ताकि मेन में हर चीज़ को एक एक वीडियो में इंक्लूड कर दूँ। तो यहाँ पर अभी अल्बर्ट के पास एक आइडिया आया है। आइडिया ये आया है कि क्यों ना मैं स्कूल को ऐसे, मतलब मैं, मेरे को स्कूल छोड़ना है बेसिकली किसी भी तरीके से, तो क्यों ना मैं स्कूल ऐसे छोड़ू, मैं ऐसा बोलूँ कि मेरे को भाई एक नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है, कि मेरे दिमाग में कोई प्रॉब्लम हो चुकी है, मैं बहुत ज्यादा इल हो चुका हूँ, मैं स्कूल में रह ही नहीं सकता। तो मैं, अगर किसी डॉक्टर ने कह दिया तो मेरे को स्कूल से जाना पड़ेगा, मेरे माँ बाप भी मुझे आने देंगे और मुझे वापस भी नहीं भेजेंगे। आगे हम पढ़ते हैं, आगे वो कहते हैं, आई कांट इमेजिन अ डॉक्टर सेइंग दैट यूरी, सेड यूरी। आई मस्ट ट्राई, सेड अल्बर्ट, टू फाइंड अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेस इन नर्व्स। देयर आर प्लेंटी ऑफ देम, यूरी टोल्ड हिम। He hesitated for a moment and then added, rather reluctantly, I'll ask some of the students if they know one. If you like, will you? Oh, thank you, Yuri. Albert's eyes were shining. Wait a moment, I haven't found one yet. Oh, but you will. And if I don't, I don't know if he'll be willing to help you. He will, declared Albert. I'm going to have a real nervous breakdown to make it easier for him. He laughed merrily. I have never seen you looking less nervous, remarked Yuri. A day or two at school will soon put that right, Albert assured him. अब आगे में पता चलता है कि यूरी कहती है कि मेरे को तो नहीं पता कि मतलब ऐसा कोई डॉक्टर होगा भी, पर हाँ मेरे एक तो फ्रेंड्स हैं तो मैं पूछ लूंगी किसी से। तो अल्बर्ट बड़े खुश हो जाते हैं, वाओ मतलब तो कुछ हो सकता है, मतलब तो एक होप मिलती है ना बेसिकली एक तरीके से, कि उन्हें एक होप मिल रही है कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है। तो आगे वो कहते हैं कि वो आगे यूरी कहती कि अभी मिला नहीं है, वो कहते कुछ नहीं होता, मिल जाएगा, वो मान भी जाएगा और तुम टेंशन मत लो, तुम बस ढूंढो। और फिर वो कहती है कि वो कहता है कि अगर मैं स्कूल में 2-3 दिन भी और रहा, अल्बर्ट कहता है, तो मुझे सच्ची में एक नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा, मैं यहाँ रह ही नहीं सकता, ये एनवायरनमेंट रटने वाला और ये सब चीजें मुझे पसंद ही नहीं है। Certainly he had lost his high spirits when Yuri saw him next. I can't stand it any longer, he said. I really shall have a nervous breakdown that will satisfy any doctor. Keep it up then, said Yuri. I found a doctor for you. You have? Albert's face lit up. Oh, good. When can I see him? I have an appointment for you for tomorrow evening, Yuri said. Here's the address. He handed Albert a piece of paper. Doctors earn well. Is he a specialist in nervous troubles? Asked Albert. Not exactly, Yuri admitted. As a matter of fact, he's only qualified as a doctor last week. You may even be his first patient. You knew him as a student then? I've known Ernst for years. Yuri hesitated for a few moments. He's not a fool, he warned Albert. What do you mean? Don't try to pull the wool over his eyes. That's all. Be frank with him. But don't pretend you've got what you haven't. Not that you'd deceive him, Yuri added. You're the world's worst liar. Albert spent the next day wondering what to tell the doctor. When the time arrived for his appointment, he had been worried over it so much that he really was quite nervous. आगे हमें ये पता चलता है कि यूरी को एक डॉक्टर मिल जाता है किसी भी तरीके से। वो एक्चुअली में अभी अभी जस्ट डॉक्टर बने हैं, लास्ट वीक ही उनको उनका सर्टिफिकेट मिला है डॉक्टर बनने के लिए। तो कहती है कि ये तुम्हारा फर्स्ट पेशेंट ही, मतलब वो जो डॉक्टर है, वो जो तुम उसके फर्स्ट पेशेंट हो गए। और वो कहते हैं कि देखो, तुम जो नहीं है ना तुम्हारे अंदर, यहाँ पर उसका एक बड़ा अच्छा ये दिया हुआ सेंटेंस, इसको यूज करिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपके टीचर्स को। डोंट ट्राई टू पुल द वूल ओवर हिज आईज, यानी कि डोंट ट्राई टू चीट हिम, डिसीव हिम, धोखा देने की कोशिश मत करना उसको। तुम फ्रैंक हो जाना कि मेरी ये प्रॉब्लम है, अगर आप मेरी हेल्प कर सकते हो मेरे को जाना है, अगर आप मेरे लिए ऐसा सर्टिफिकेट बना सकते हो तो बना दो। वो कहता है कि ये मत करना कि हो मेरे को नर्वस ब्रेकडाउन हो रहा है, अगर नहीं हो रहा तो ये मत करना, वो डॉक्टर है, वो पकड़ लेगा, बहुत स्मार्ट है। और वो कहता है कि वो फिर अल्बर्ट थोड़ा सा डर जाता है, तो वो प्रिपेयर कर रहा होता है घर पे कि मैं क्या बोलूँ। तो इस चक्कर में वो खुद भी थोड़ा नर्वस हो जाता है कि हाँ मैं तो हो गया अब नर्वस इस चक्कर में कि मैं क्या बोलूँ। आगे, आई डोंट रियली नो हाउ टू डिस्क्राइब माई ट्रबल डॉक्टर वेल, ही बिगैन। Don't try, said the young doctor with a friendly smile. Yuri had already given me a history of the case. Oh, what did he say? Only that you want me to think you've had a nervous breakdown.
and say that you mustn't go back to that school. Oh dear, Albert's face fell. He shouldn't have told you that. Why not? Isn't it true then? Yes, that's the trouble. Now you'll say there's nothing wrong with me and you'll tell me to go back to school. Don't be too sure of that, said Doctor. As a matter of fact, I'm pretty sure you are in a nervous state about that school. But I haven't told anything about it, said Albert, wide-eyed. How can you know that? Because you wouldn't have come to see me about this if you hadn't been pretty close to a nervous breakdown. That's why. Now, said the doctor briskly, if I certify that you have had a nervous breakdown and must stay away from school for a while, what will you do? I'll go to Italy, said Albert, to Milan, where my parents are. And what will you do there? I'll try to get into an Italian college or institute. How can you, without a diploma? I'll ask my mathematics teacher to give me something about my work, and perhaps that will be enough. I've learnt all the maths they teach at school and a bit more, he added when Dr. Wheel looked doubtful. अब आगे हमें पता चलता है कि वो हमें बताते हैं कि सबसे पहले तो अल्बर्ट वो अल्बर्ट आता है मतलब वो ही उसे बेवकूफ बनाने के चक्कर में कि मेरे को डॉक्टर मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे क्या हो रहा है तो यूरी वो डॉक्टर कहता है कि मुझे पता है तुम्हें क्या हो रहा है यूरी ने तुम्हारे फ्रेंड ने मुझे बता दिया तुम्हें क्या हो रहा है तुम चाहते हो कि मैं समझूं कि तुम्हें एक नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है और मैं तुम्हें सर्टिफाई कर दूं एक सर्टिफिकेट दे दूं कि तुम स्कूल जाने के लायक ही नहीं तो सिंपली अल्बर्ट कहते हैं अरे हाय यूरी ने ये क्यों बोला उसे तो ये बोलना ही नहीं चाहिए था तो फिर उसको उसका वो डॉक्टर कहते हैं कि क्यों नहीं कहना चाहिए था ये तो सच्चा है ना वो कहते हैं हाँ सच्चा है लेकिन अब तुम बोलोगे कि नहीं मुझे जाना चाहिए स्कूल स्कूल सबको जाना चाहिए वो कहते हैं कि तुम इतना श्योर कैसे हो मैंने कहा कहाँ है और वो कहता है कि देखो तुम यहाँ पे आए हो स्कूल के बारे में तुम नर्वस हो तो तुम एक्चुअली में नर्वस ब्रेकडाउन के ये मेंटल प्रॉब्लम के काफी क्लोज ही हो तो अच्छा ही हो गया कि तुम आए हो तुम बहुत क्लोज हो ये प्रॉब्लम के और यहाँ पे मैंने ये अंडरलाइन भी किया हुआ ये इम्पोर्टेंट पार्ट है कि वो क्लोज है एक नर्वस ब्रेकडाउन के जिस हिसाब से उसकी हालत चल रही है और यहाँ पे ऊपर जो जब उसने ये बात बोली थी कि मतलब आप मुझे पता है आप समझोगे नहीं कि मेरे को नहीं मेरे को जाना चाहिए आप मुझे ये बोलोगे तो इससे हमें क्या पता चलता है कि एल्डर्स डू नॉट अंडरस्टैंड प्रॉब्लम्स ऑफ यंग दे नॉट अंडरस्टैंड प्रॉब्लम्स ऑफ यंग ये आप यूज कर सकते हैं कि उसके पेरेंट्स नहीं समझेंगे उसके टीचर्स नहीं समझते कोई समझता नहीं है जैसे आप लोग कहते हैं तो क्यों नहीं समझते हैं क्योंकि एल्डर्स आपकी चीजें नहीं समझ पाते हैं यंग की ये सेंटेंस यूज कीजिएगा फिर वो कहता है कि चलो अगर मैंने तुम्हें सर्टिफिकेट दे भी दिया भैया कि तुम नहीं जा सकते स्कूल तो तुम क्या करोगे वो कहता है मैं मिलान जाऊंगा इटली जहाँ मेरे मॉम डैड रहते हैं वहां जाके क्या करोगे मैं वहां पर एक कॉलेज में चला जाऊंगा इंस्टीट्यूट में चला जाऊंगा कैसे जाओगे जब स्कूल ही पार नहीं किया मेरे मैथमेटिक्स के सर मेरे को एक पेपर में एक अच्छा सा लिखेंगे कि मेरे कितना काम किया है और क्या क्या है मेरे अंदर क्वालिटीज तो मेरे को मिल जाएगा एडमिशन क्योंकि मैंने तो स्कूल में जो मैथमेटिक्स को पढ़ाते वो तो मैंने सारी कर ही ली और थोड़ी मैंने ज्यादा भी कर ली है आगे Well, it's up to you, he said. I doubt if it will come off, but I can see you're not doing yourself or anyone else much good by staying here. How long would you like me to say you should stay away from school? Would 6 months be all right? That is very kind of you. It's nothing. I've only just stopped being a student myself, so I know how you feel. Here you are, Dr. Wheel handed him the certificate and the best of luck. How much? Nothing. If you have anything to spare, invite Yuri to a meal. He's a good friend of mine and yours too, I think. Albert had no money to spare, but he pretended he had and took Yuri out to supper. Isn't it wonderful, he said about after showing Yuri the certificate. Yes, it's fine, Yuri agreed. 6 months is a good period. This way, you won't actually be leaving the school, so if your worst comes to worst, you'll be able to come back and carry on your diploma. I'll never go back to that place, Albert assured him. I'm going to take the certificates to the head teacher tomorrow and that will be the end of it. Don't forget to get a reference in writing from your mathematics teacher first, Yuri reminded. Mr. Cooch willingly gave Albert a reference he wanted. If I say I can't teach you anymore and probably you'll soon be able to teach me, will that be all right, he asked. अब आगे हमें यहाँ पे पता चलता है कि basically उन्होंने क्या किया है कि